नमस्कार, नेशनल खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन और ये खबर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली से जुड़ी है, जिन्होंने एक अजीबोगरीब सी शर्त रखी है फिल्म स्टार ऋतिक रोशन के सामने। उनकी बात को दुनिया में हर कोई जो भी सुन रहा है पसंद कर रहा है, उनकी हाजिर जवाबी की तारीफ हो रही है। दरअसल सौरभ गांगुली नेहा धूपिया के शो में जाते हैं जिसका नाम है नो फिल्टर नेहा, और उस शो में जब नेहा धूपिया उनसे सवाल करती हैं कि क्या आपके ऊपर कोई बायोपिक बन सकती है, तो सौरभ गांगुली ने छूटते ही पूछा कि कौन है जो मेरा किरदार निभा सकता है। इस पर नेहा धूपिया ने भी झट से जवाब दिया कि ऋतिक रोशन वो किरदार बखूबी निभा सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि ऋतिक रोशन को पहले वर्कआउट कम करके सौरभ गांगुली जैसी बॉडी बनानी होगी, अदरवाइज लोग सौरभ गांगुली से पूछते रहेंगे कि ऋतिक रोशन तो बहुत गुड लुकिंग है और आपको उनके जैसी बॉडी बनानी चाहिए, इसलिए शुरुआत करने से पहले ऋतिक को सौरभ गांगुली जैसी बॉडी बना के तभी इस फिल्म पर काम करना चाहिए। इस शो में और भी कई मज़ेदार बातें हुई और नेहा धूपिया ने शो के दौरान यह भी पूछा कि वो कौन है जो पूरी रात पार्टी कर सकता है, भारतीय क्रिकेट टीम में ऐसा कौन है। तो सौरभ गांगुली ने कहा, युवराज, ऐसा कौन है जिसका ड्रेसिंग सेंस सबसे ज्यादा खराब है। इस पर भी उन्होंने कहा, युवराज सिंह। इसके साथ ही नेहा ने कहा कि वह कौन है जो एक्टर बन सकता है। इस पर भी सौरभ गांगुली ने बिना वक्त गवाए युवराज सिंह का ही नाम लिया। बता दें कि नेहा धूपिया का ये शो सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर हो रहा है और लोग सौरभ गांगुली की हाजिर जवाबी की तारीफ लगातार कर रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे। नमस्कार।